हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। सो गाइज, आज शाम में IDBI की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का रिजल्ट जारी किया गया और इसके जस्ट बाद दो और बड़े अपडेट आप सभी के सामने आ चुके हैं। दोस्तों, यहां पर अपडेट है कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव का एक और नया वैकेंसी IDBI की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। सो गाइज, जिन कैंडिडेट का भी सिलेक्शन अभी IDBI के जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में नहीं हुआ था, आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। एक और नया नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा। इससे पहले मैंने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव दोनों एग्जाम को क्लियर कर रखा है, तो आपको हर एक छोटी से लेकर के बड़ी डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहां पर वैकेंसी देख लो, जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है। एक मिनट, मैं जरा पेन ऑन कर लेता हूं ताकि आप सभी को हाईलाइट करके समझाने में आसानी हो। चलिए देखिए, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर इसके लिए टोटल 800 पोस्ट निकाले गए हैं, जबकि पिछले वैकेंसीज में केवल 600 ही पोस्ट था, तो इस बार आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका सेल्स एंड ऑपरेशन पोस्ट का निकाला गया है टोटल 1300 वैकेंसीज, जबकि पिछली बार जो आपका आया था दोस्तों एग्जीक्यूटिव का, उसमें लगभग 900 ही वैकेंसी थी। तो दोनों ही वैकेंसीज यहाँ पर पिछले साल से काफी ज्यादा है और इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस भी इसी प्रकार से ज्यादा हो जाएंगी। फिर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल्स। तो देखिए, आगे बढ़ोगे तो आपका जो कट ऑफ का डेट है, चाहे वो एज क्राइटेरिया का हो या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, वो 1 नवंबर 2023 के अनुसार काउंट किया जाएगा। 22 नवंबर को ऑफिशियल साइट पर यह पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एग्जाम डेट की, तो 22 नवंबर 2023 से लेकर के 6 दिसंबर 2023 तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो रिटर्न एग्जाम है वो 31 दिसंबर 2023 को होगा और एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस का रिटर्न एग्जाम 30 दिसंबर 2023 को होगा। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव का जो फाइनल रिजल्ट है वो केवल 10 दिनों के अंदर ही जारी कर दिया जाता है, यानी कि इस वाले एग्जाम का रिजल्ट आप 10 जनवरी तक एक्सपेक्ट करोगे फाइनल। 10 जनवरी के बाद फिर आप डायरेक्ट बैंक में जाकर ज्वाइन करोगे। फिर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो देखिए 1 नवंबर 2023 के अनुसार अगर आपकी एज मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 25 ईयर्स है, तब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ के टर्म्स में मैं बात करूं तो 2 नवंबर 1998 से लेकर के 1 नवंबर 2003 के बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग एलिजिबल होंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपने अगर बैचलर डिग्री ले रखी है और मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नोटिफिकेशन में आगे देखेंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। अभी जो आपने ऊपर में देखा था क्वालिफिकेशन, ये था दोस्तों आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एग्जीक्यूटिव के लिए, तब आपका सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, इसमें किसी भी प्रकार के परसेंटेज की नीड नहीं है। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नीचे आते हैं। तो अगला जो आपका है दोस्तों वो है इमोलमेंट्स एंड करियर एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो ज्वाइनिंग है ना वो आपकी 3 साल के लिए होने वाली है, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। एज पर एक्सटेंड बैंक नॉर्म्स, ग्रेड ओ ऑफिसर शैल बी कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट कैडर ग्रेड ए ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स। यानी कि दोस्तों, अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करने जाओगे तो 3 साल के बाद आप ग्रेड ए वाले पोस्ट पर प्रमोट हो जाओगे। और इसके अलावा अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो एग्जीक्यूटिव का जॉब केवल 3 साल का होता है, 3 साल के बाद आपको एक इंटरव्यू वगैरह देना होगा, उसके बाद आप सीधे असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगी। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका इमोलमेंट्स, यानी कि सैलरी कितनी दी जाएगी। तो यहाँ पर देखो, जो एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस वाले पोस्ट हैं, इसमें आपको 29,000 का सैलरी दिया जाएगा पहले मंथ के लिए, पहले साल के लिए, और 31,000 का सैलरी दिया जाएगा दूसरे साल के लिए। यहाँ पर एक मिनट में जरा ऊपर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है नोटिफिकेशन में कुछ डिफरेंस यहाँ पर आया हो। यहाँ पर आपके 2 साल के लिए वाला जॉब रहने वाला है, यहाँ पर जो पहले 3 साल की कैटेगरी रहती थी उसे हटा दिया गया है। और ऐसा इसलिए हटाया गया है क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के नाम से एक नया पोस्ट आ चुका है, तो आपकी 2 साल के बाद डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएंगे किसमें, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में, अगर आप इंटरव्यू देकर के पास हो जाते हो तब। द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ऑन 1 ईयर 2 ईयर बेसिस फॉर 1 ईयर। इससे पहले भी ऐसा ही होता था कि आपको पहले 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, अगर आपने उस 1 साल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके 2 साल के लिए और रखे जाएंगे। लेकिन इस बार 3 साल का न रख करके केवल 2 ही साल आपको रखा जाएगा। 2 साल के बाद या तो आप जॉब को छोड़ दो या फिर आप प्रमोट होकर के डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ। बात करते हैं दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है यानी कि JM और एग्जीक्यूटिव है, दोनों के लिए सेम ही रखा गया है एग्जाम पैटर्न।
एग्जाम में आपके लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर से रिलेटेड 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, इसका लेवल कैसा रहता है और सिलेबस क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से डिटेल वीडियो बना करके दे दूंगा। 1/4 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान देना एग्जाम देते समय। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए पर्सनल इंटरव्यू होगा केवल और केवल जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, इस चीज के भी आप लोग ध्यान रखना। एग्जीक्यूटिव के लिए सिंगल एग्जाम है, जबकि अगर आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पर एग्जाम दिया जाएगा, उसके बाद आपके एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने ऊपर में देख लिया, क्वालिफिकेशन वगैरह, एज लिमिट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं एससी और एसटी के, उन्हें 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ओबीसी के जो एनसीएल हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट, उन्हें 3 साल का दिया जाता है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उन्हें 10 साल का यहाँ पर एज में छूट दिया जाएगा। फिर और आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में, तो इसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिटेल में दिया गया है, इस चीज को भी देखो और फिर से रिवाइज कर लो आप लोग। जेएम के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को, जबकि 55% होने चाहिए एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। इसी प्रकार से अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एग्जीक्यूटिव के लिए केवल आपने यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स पास कर रखा है तब आप कंसिडर नहीं किए जाओगे, यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में कोई भी मिनिमम परसेंटेज की क्रिटेरिया नहीं रखी गई है, आपने जितने भी मार्क्स यहाँ पर गेन कर रखे होंगे उसी पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा आपके कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज होने चाहिए, इसका किसी भी डिग्री की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप सभी के आईबीपीएस के थ्रू फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग आपने पहले भी देख लिया होगा, हालांकि कल से जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके फॉर्म को फिल करने हैं, क्या क्या वहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। इसके अलावा जब मैंने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया था तो उसका कंप्लीट एनालिसिस वीडियो मैंने अपलोड किया है, चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, वहां से आप सभी लोग उसे देख लेना। और दोस्तों आज शाम में ही मैंने आईडीबीआई बैंक के एग्जाम के लिए एक इंटरव्यू का ग्रुप बनाया था, तो आप सभी कैंडिडेट उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहीं पर मैं इंटरव्यू के साथ साथ ये जेएम का और एग्जीक्यूटिव के रिटन एग्जाम का भी कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाते रहूंगा। साथ में रह रहकर आपको डीआई वगैरह सॉल्व करवाऊंगा जो आपके पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे, और उन डीआई का पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप डायरेक्ट सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है आईडीबीआई जूनियर मैनेजर असिस्टेंट इंटरव्यू। अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम में आकर के आईडीबीआई जेम 23 भी सर्च करोगे ना, ये वाला लिंक यहाँ पर है, तब भी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहीं पर आकर के आप लोग इसे ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अगर आपको वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट मन में है तो डायरेक्ट मुझे कमेंट करके पूछना, या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।